ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों, आपका हमारे इस लाइव प्रसारण में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो लोग जुड़ रहे हैं, लाइव होने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों से संवाद स्थापित करने का ये है कि केवल फेसबुक पर या किसी न्यूज ग्रुप पर या किसी सामाजिक संदर्भ में समाज में अपना दोहरा चित्र लेकर उतरने से समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। आप लोगों को अपने वास्तविक चेहरे के साथ समाज में उतरकर समाज सेवा का बीड़ा उठाना चाहिए, जिससे समाज में वास्तविक परिवर्तन की दिशा में समाज, देश को, समाज को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल आज हमारा लाइव होने का उद्देश्य आप लोगों के समक्ष आप लोगों का अभिवादन करने और आप लोगों को तारू समाचार ग्रुप लगातार एक सच्ची खबर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इसके दायरे को बढ़ाने के संबंध में लेकर हमारा लाइव होने का उद्देश्य आज हुआ है। और हम चाहते हैं कि आप लोग खबर की सच्चाई को जानने के लिए ऐसे समाचार ग्रुपों से जुड़ने का काम अवश्य करें जो समाज में हो रही तमाम घटनाओं की वास्तविकता से आपको परिचित कराने का काम किया करते हैं। फिलहाल ये इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना महामारी जहां पर बीभत्स रूप ले चुकी है, लगभग 4 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या हो चुकी है, हजारों हजार की संख्या में मृत्यु दर पहुंच चुकी है। सरकार व प्रशासन की गाइडलाइंस शिक्षण संस्थाओं के खोलने के संबंध में अभी कोई नई गाइडलाइन निर्गत नहीं हुई है, जो पहले थी वही बंद होने की गाइडलाइन जारी है, जहां पर तमाम जिम, मार्केट व अन्य को खोलने में सरकार ने अपनी गाइडलाइन में परिवर्तन कर शिक्षण संस्थाओं को अभी भी बंद रखने का काम किया है। निश्चित ही हम सरकार के इस फैसले की प्रशंसा व सराहना करते हैं और आपको भी करना चाहिए। न केवल धन कमाने के लिए, न केवल सुविधा भोगी चीज़ों को अर्जित करने के लिए, बल्कि समाज के उन नौनिहालों के जीवन को बचाने के लिए जो हो सकता है कि भविष्य में देश का खोया हुआ गौरव, विश्व गुरु के रूप में खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करने के संबंध में कुछ हो कर सकें। ऐसे नौनिहालों के जीवन को बचाने के लिए जो सरकार का ये प्रशंसनीय व सराहनीय कदम है, आपको भी इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आधुनिकता के इस दौर में गुरु व माता पिता कभी आधुनिक नहीं होते, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा एक से एक छोटी चीज का ध्यान हमेशा से रखते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ अपने बच्चों को मुहैया कराने का प्रयास भी करते रहते हैं। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में जहाँ पर गुरुजनों के द्वारा सरकार व प्रशासन के रोक के बावजूद कोचिंग का संचालन चोरी चोरी किया जा रहा है, वो भी बिना किसी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 10x12 के कमरे में लगभग 50 स्टूडेंट को भेड़ों की तरह भरकर बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के चोरी चोरी चलाया जा रहा है,
जब मैं ऐसे कोचिंग संस्थानों के बारे में या शिक्षण संस्थानों के बारे में खबर चलाता हूँ, तो इसी ग्रुप पर कुछ ऐसे अशिक्षित, असभ्य व समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान न रखने वाले अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको समाज की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। ये केवल फेसबुक के माध्यम से अपने आप को समाज में स्थापित करने का काम किया करती हैं, जो कि कभी ऐसे व्यक्ति कभी समाज में अपने आप को स्थापित, प्रचारित व प्रसारित करके नहीं कर सकता, जब तक उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसके कर्तव्य में समाज के हित के प्रति वो भावना दिखाई ना दे। अभी शीघ्र ही नगर के मध्य मुधा चौराहे के पास चल रही एक कोचिंग, अवैध रूप से चलाई जा रही एक अध्यापक के द्वारा कोचिंग पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ी गई, मुकदमा कायम हुआ और उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा ये अन्य कोचिंग को हिदायत दी गई कि चोरी चोरी चलने वाली तमाम कोचिंग पर निगरानी प्रशासन की रहेगी और खुली पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यापक के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और दो दिन बाद ही मेरे द्वारा फिर नगर के मध्य में उसी चौकी क्षेत्र में बेतरतीबी से संचालित एक कोचिंग मेरे संज्ञान में आई। मैं वहां पहुंचा, वहां की स्थिति देख इतना दुखद अनुभव हुआ कि तरस आ गई ऐसे अभिभावकों पर, तरस आ गई ऐसे गुर्जरों पर जो अपने निहित स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने नौनिहालों के साथ इस कदर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू हो गए हैं। शर्म आती है शिक्षा की ऐसी व्यवस्था पर, शिक्षा के नाम पर स्टूडेंट्स और गार्जियंस के दोहन पर, और शर्म आती है अभिभावकों के स्वार्थ पर अपने उद्देश्य को पूर्त करने के प्रयास पर। कोचिंग का वीडियो हमारे द्वारा रिकॉर्ड किया गया, बच्चों का रोना रहा कि साहब लॉकडाउन के चलते पैसे की इनकम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा कोरोना के संबंध में हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और कानूनी रूप से इसके दुष्परिणाम के बारे में समझाने पर उन्होंने अगले दिन से कोचिंग न चलाने की कसमें खाईं और अपनी गलती मानते हुए उन्होंने तत्काल बच्चों को कोचिंग से निकाल दिया, घर भेज दिया। कल हमारे द्वारा फेसबुक पर, आपके ये अपने न्यूज़ ग्रुप पर जब ये समाचार डाला गया, वीडियो डाला गया, कोचिंग का नाम बिना डिस्क्लोज किए, अध्यापक का नाम बिना डिस्क्लोज किए, तो समाज हित के नाम पर अपने आप को फेसबुक के माध्यम से, न्यूज ग्रुप के माध्यम से समाज में स्थापित करने वाले कुछ अशिक्षित लोग, निरक्षर लोग, असभ्य लोग आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, करते इसलिए हैं क्योंकि इनको समाज की वास्तविक स्थिति के बारे में पता ही नहीं है। फिलहाल कोचिंग का संचालन नगर में अभिभावकों की उदासीनता और अध्यापकों के इनकम को बढ़ाने के लिए जो चोरी छुपके किया जा रहा है, बेतरतीबी से किया जा रहा है, प्रशासन की उन पर सख्त निगाह है। और मैं एक बार फिर आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूँ, समाज का एक शुभचिंतक होने के नाते सरकार की नीतियों का अनुपालक होने के नाते और कानून की अनुरूप चलने वाली आदत के नाते
कि अगर किसी कोचिंग का चलना अब पाया गया जो कि समाज हित में सरकार के आदेशों के विरुद्ध प्रशासन के आरोपों के विरुद्ध है, तो निश्चित ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। कुछ लोग बात करते हैं कि मार्केट खोल दी गई, जिम खोल दिए गए, बेरोजगार कहाँ जाएं, ऐसे में कोचिंग का संचालन होना चाहिए, उनका तर्क ये रहता है। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक सरकार आदेश नहीं देती, प्रशासन आदेश नहीं देता कोचिंग के संचालन के लिए, शिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिए, तब तक कोचिंग का संचालन समाज हित के, समाज विरुद्ध होने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध भी है, आदेशों के विरुद्ध भी उनका कार्य होगा और प्रशासन के कानून के विरुद्ध भी उनका कार्य होगा। किसी भी दशा में बेरोजगारी का सहारा लेकर, कम इनकम का सहारा लेकर, मार्केट के खुलने का सहारा लेकर उनको कोई छूट देने का काम व्यक्तिगत मैं नहीं होने दूंगा। जीवन रहेगा तभी आप सबको इनकम का मतलब मालूम चलेगा, जीवन नहीं रहेगा तो इनकम आपके किसी काम नहीं आएगी। हम अपेक्षा करते हैं कि इस ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए सभी कोचिंग संचालक और उन अध्यापकों को जो अब तक ये काम चोरी चोरी छुपके छुपके करते रहे हों, कृपा करके सरकार व कानून के समर्थन में अपने व समाज के भी समर्थन में अपने इस गलत कृत्य को बंद कर दें, जिससे आपकी महिमा व शिक्षण संस्थाओं की गरिमा भविष्य में भी कामयाब रह सके। आप लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद। ये विकास वर्मा जी कह रहे हैं कभी बेरोजगारी पर भी बोल दिया करो, हम लोगों के लिए, हम विकास वर्मा से बताना चाहते हैं कितने पढ़े हो और कहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, आप अपनी शैक्षणिक योग्यता बताइए और कार्य करने की क्षमता बताइए, रोजगार मैं आपको दिलवाऊंगा। हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी पर बात करने वाले तमाम लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि सरकार की नीति शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो तमाम नीतियां परिवर्तित हो रही हैं, वो वाकई उस कार्य क्षेत्र के विकास के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। देख रहे हैं बेरोजगारी पर काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल पूछने का सिर्फ हक उसको मैं देता हूं या आपको भी देना चाहिए कि जो अपनी शिक्षा का स्तर बताएं, उनकी शिक्षा खुद की कितनी है और उसके अधिक शिक्षा और डिग्री लेने के बाद और उनकी वर्किंग कैपेसिटी होने के बावजूद भी अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 7800-4500। विकास वर्मा जी, आप डिप्लोमाधारी हैं, किस चीज में डिप्लोमा किए हैं और उस क्षेत्र में डिप्लोमा धारकों की अब तक रोजगार प्राप्त करने का प्रतिशत क्या रहा है, ये आप बता दीजिएगा। और अगर उससे कम प्रतिशत अब की सरकार में रहा हो तो वो कैलकुलेट करके कहीं पर सर्च करके हमको दीजिए, हम आपकी बहस को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप सभी सम्मानित सदस्यों को
लाइव के माध्यम से मेरे उद्बोधन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद, जय भारत।